फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कोमल्स किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं डिफरेंट तरह की मिठाई, एक सिंपल से खोवे से अलग अलग तरह की मिठाई। और आपको अलग अलग तरह की मिठाई देखने के लिए मेरे आई बटन पे देखिएगा। और जिसे बनाने के लिए चाहिए हमें, मैंने 250 ग्राम खोवा लिया है और 250 ग्राम शक्कर लिया है। इन दोनों को एक बर्तन में डाल देंगे। मैंने बर्तन में शक्कर डाल दिया और खोवा डाल दिया। अब इसे नीचे अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले, फिर गैस पे रखेंगे। देखिए, शक्कर और खोवे को मैंने अच्छे से ये मिक्स कर दिया है। अब हम इसे गैस पे रख देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है, जब तक हमारी शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक हमें इसे चलाते रहना है। हमारी शक्कर मेल्ट हो गई और हमारा जो खोवा है प्रसन्न नरम हो गया है। अब इसे 5 मिनट तक ऐसे चलाते रहना है, फिर फ्लेम ऑफ करके फिर इसे ठंडा होने तक हमें इंतजार कर देना है। देखिए, 5 मिनट हो चुका है, हमारा खोवा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अच्छा से पक चुका है। अब हम इसे ज़्यादा देर रखेंगे तो हमारा खोवा काफ़ी गाढ़ा और ड्राई हो जाएगा, इसलिए हमें फ्लेम ऑफ करके नीचे ऐसे ही हमें कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक वो थिक नहीं हो जाता है। देखिए, ऐसे ही हम कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे और हमारा खोवा अच्छा सा गाढ़ा भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। देखिए, इसे कढ़ाई में घुमाते घुमाते हमारा डो बहुत टाइट सा तैयार हो गया है। अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 2 बड़े हिस्से और 1 छोटा हिस्सा। हम बड़े हिस्से को हटा देंगे, जो छोटा हिस्सा है उसमें हमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालना है, ड्राई फ्रूट कलर है, इसे हल्का सा इसे डाल के और इसे मसल देंगे ताकि जो हमारा डो है वो ऑरेंज कलर का तैयार हो जाए। मैंने खोवे के 3 हिस्से किए, 2 हिस्सा व्हाइट और 1 हिस्सा ऑरेंज। अब हम जो व्हाइट वाला हिस्सा है उससे हमें छोटे छोटे पेड़े बना देने हैं। पेड़े बनाने के बाद एक अंगूठे के सहारे से उसे एक दिए का हमें शेप दे देना है। आप देख रहे हैं कि हमें इसे गोल दिए का शेप देना है। शेप देने के बाद हल्का सा इसका पॉइंट हमें निकाल देना है। आपको लग रहा है कि ये दिया है, आप देखिए मैंने पूरे दिए के शेप में एक मिठाई को जो रूप है मैंने दिए का दिया है, क्योंकि हम राखी के लिए बना रहे हैं और राखी की थाली में दिया जरूर जलता है, तो दिए के साथ साथ मैंने मिठाई को भी एक दिए का ही रूप दे दिया है। देखिए, जो ऑरेंज वाला है हमें उसमें से थोड़ी थोड़ी सी आटा लेना है और हमें लंबा करने के बाद ऐसा हाथ से प्रेस करना है जैसे हमारी खड़ी बाती रहती है और इसके मिड में हमें रख देना है। मैंने एक डिफरेंट तरीके के शेप से आपको मिठाई बनाना सिखाई है, इसे आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, एक सिंपल से खोवे से हम कितने तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं, आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ।